झारखंड मुक्ति मोर्चा का 50वां स्थापना दिवस बागमारा के पोलो ग्राउंड में मनाया गया। स्थापना दिवस पर बाल कलाकारों के द्वारा झारखंडी लोकगीत पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। वहीं झारखंड आदिवासियों ने भी ढोल मंजर बांसुरी के धुन पर झारखंडी नृत्य प्रस्तुत करते हुए आनंद उठाया। झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रतिलाल टुड्डू ने कहा है कि झारखंड वासियों को अधिकार देने का काम हेमंत सरकार कर रही है। मूल वासियों और आदिवासियों को अधिकार देने का काम हेमंत सरकार कर रही है। यहाँ के लोगों के लिए काम झारखंड सरकार करेगी। केंद्र सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं के तहत झारखंड के लोगों को लाभ देने का काम हेमंत सरकार ने किया है। वहीं झामुमो नेता अजमूल अंसारी ने कहा है कि जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कार्य कर रही है, उससे उसकी हर क्षेत्र में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। भाजपा के सरकार में झारखंड राज्य को खोखला करने का काम किया गया। सामान नहीं छोड़ेगा। आज राष्ट्रीय जनता पार्टी जो है झारखंड लोगों को जो है आपका स्वागत है। हमारे बीच जो है झारू यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो है विश्वास रखना होगा जारी है, तो सारा धीरे धीरे ठीक करने का काम करेंगे। मोर्चा का 50वां साल का हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थापना बनाए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना धनबाद जिला एक गोल्फ ग्राउंड धनबाद में 1973 को मान्य दिसम गुरु शिव सोरेन, विनोद बिहारी महतो, ए के राय, सरकार मुर्मू, ध्रुव महतो, ऐसे अनेक महापुरुषों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो नामकरण दिया था, उसी को लेकर हम लोग आज इसको हम लोग राजकीय पर्व के रूप में हम उत्साह मनाते हैं। और जो राज्य सरकार का जो जन कल्याण योजना है, ये योजना को हम लोगों को बताते हैं कि आप लोग सरकार का लाभ अंतिम पायदान तक पहुँचे, लोगों को लाभ मिले। सरकार ने घोषणा कर दी, यहाँ का जो अधिकारी है वो पूर्व सरकार का मानसिकता रखा हुआ अधिकारी है। उन ऐसा अधिकारी को हम लोग ने जो सरकार का घोषणा 75% आउटसोर्सिंग हो, विभिन्न ऐसे योजना को कल के योजना में हो, हम लोग काम लेने का काम करेंगे। और ऐसे ऐसा जो कंपनी हो आउटसोर्सिंग हो जो भी हो उसको नहीं, अगर 75% यहाँ के झारखंड जो स्थानीय लोगों को नहीं देता है रोजगार, तो ऐसे कंपनी को हम लोग भगाने का काम करेंगे। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का 50वां स्थापना दिवस जो हम लोग बगमारा के पोलो ग्राउंड में मनाने का काम किया हम, और ये स्थापना दिवस दूसरी बार हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। और आज का जो है ऐतिहासिक जो भीड़ देखने को मिला, झारखंड मुक्ति मोर्चा में आस्था रखते हुए हमारे बगमारा प्रखंड अध्यक्ष रतिलाल टुड्डू के जरिए से जो है इनके में आस्था रखते हुए जितना हुजूम देखने को मिला है, ये काबिले तारीफ है। और आशा और उम्मीद है कि जिस तरीका से काम झारखंड मुक्ति मोर्चा बगमारा में कर रही है विभिन्न वर्ग में, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे युवाओं के प्रति जो हो, उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इसका जो है रिजल्ट हम लोग को मिलेगा और हम लोग इसी तरह से काम करते जाएंगे। कि हमको पूर्ण विश्वास है माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पर, कि उन्होंने कहा है, हर एक बार कहा है अपने वक्ता में कि बनाए हम ही हैं, सवारेंगे हम ही। याद कीजिए 1985 का जो लागू किया था भारतीय जनता पार्टी और आसू के लोग जो है, उस समय आसू का पार्टी क्यों नहीं विरोध कर रहा था, उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं विरोध कर रहा था। आज जो है दो जिला में जो हुआ है, हम मानते हैं कि जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है और गठबंधन का जो है दो जिला में जो है नियम जो है मगही भोजपुरी ये किया है, मगर उम्मीद है कि माननीय हेमंत सोरेन बहुत सुलझाई व्यक्ति हैं माननीय मुख्यमंत्री, वो धीरे धीरे सारा कुछ जो है जी 22 साल का ये राज्य है जिसको खोखला कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उसको सुधारने में, उसको फिर से संवारने में समय लगेगा। आज जो है देखिए रोड पर जो है कोई कांग्रेस का या कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदमी नहीं मिलेगा, आसू का आदमी मिलेगा। आसू जो आदमी जो है वो दोहरा नीति का पार्टी है, दोहरी बात करता है वो आज के डेट में बता, ये भी बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, यहाँ बीरेन जी नारायण से पूछ लीजिए, ढुल्लू महतो से बोलिए कि वो रोड पे क्यों नहीं आ रहा, वो रोड पे आइए और मांग कीजिए
आप जो है दोहरा नीति दिखा रहे हैं, यहाँ जो है लोग को उकसाने का काम कर रहे हैं और भीतर भीतर जो है वोट बैंक बनाने का काम कर रहे हैं, ये नीति नहीं चलेगा। ये हेमंत सोरेन जी का सरकार है, ये उनका प्रदेश है, वो मुखिया है यहाँ का, वो जो है बेहतर चलाने का काम कर रहे हैं और भविष्य में ही बेहतर चलाएंगे, ये उम्मीद है हम लोग का।